अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश सुक्का। फ़िश सुक्का मतलब जैसे मसाला, चिकन मसाला सूखा होता है, वैसे फ़िश मसाला सूखा। चलो चलते हैं। ड्राई हम मसाला, बना रहे हैं मच्छी का जो सुक्का होता है वो बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने मिर्ची, कांदा, कड़ी पत्ता, लहसुन ये काट के रेडी कर लिया है। तेल गरम को रख दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें राई डालूंगी। ये मच्छी को मैंने थे ना थोड़ा सा मसाला भी लगा के रखा है। रीज़न ये कि अगर मच्छी को मसाला लगा के रखेंगे ना तो टेस्ट अच्छा आता है, नमक वगैरह मसाला, क्योंकि ऐसे ही अगर हम लोग रखेंगे तो उसको टेस्ट नहीं देता मच्छी को। तो 2-4 घंटे पहले अगर आप मच्छी को मसाला लगा के रखेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। इसके लिए मैंने मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया था। अब ये मेरा तेल गरम हो रहा है गैस के ऊपर। मैंने थोड़ा बारीक आग रखी हूँ। ये मैं टमाटर ले रही हूँ। इसमें मैंने 2 टमाटे लिए हैं और इसको मैं अच्छे से पीसूँगी मिक्सर में, क्योंकि मुझे ग्रेवी बनाना है इसके लिए। और ये कांदा, मिर्ची, कड़ी पत्ता, लहसुन ये अभी हम बघार में डालेंगे। मैंने पहला राई भी डाला और ज़ीरा भी डाला, उसके बाद ये जो मैंने तैयार करके रखा था, लहसुन, कड़ी पत्ता, मिर्ची और कांदा, ये तीनों मैंने चारों डाल दिया है। अभी मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, मगर मैं अभी इसको ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, थोड़ा हल्का ही रखूँगी, क्योंकि वो फिर ग्रेवी ये हो जाती है, कड़वी लगती है। इसके लिए थोड़ा हल्का ही रेड रखना है, ज़्यादा एकदम लाल जैसा हम इसमें रखते वैसा नहीं करना है, हल्का सा रखना है। और इसको थोड़ा धीमी आँच पे ही, हमेशा मैं धीमी आँच पे ही रखती हूँ। रीज़न ये कि कहीं जल नहीं जावे, इसके लिए मीडियम आँच पे रख के ही इसको फ्राई करना है। और जैसे ही फ्राई होगा हल्का हल्का, तो थोड़ा और थोड़ा आग मतलब आप आँच कम कर दीजिए गैस की, क्योंकि जल्दी से फिर जल जाता। अभी टमाटे की ग्रेवी जो मैंने बना के रखी थी ये इसमें डाल दूंगी। और इसको अच्छे से मैंने बोला ना बारीक आग पे ही इसको थोड़ा सा पकने देंगे, उसके ऊपर से तो वो पकते रहेगी, तब तक आप मसाले आपके डाल दीजिए। मैंने धनिया पाउडर 2 चम्मच डाली है, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर थोड़ा थोड़ा आपके हिसाब से डाल दीजिए। आपके हिसाब से मतलब एक छोटा चम्मच जो होता है वो ही डालना है। और ये जो मुझे रेड टीका जो डाला है ये मैंने आधा पैकेट डाला है। ये डाल के अच्छे से घुमा देते, उसमें मैंने मच्छी मच्छी भी डाल दी है। और जितना आपको पानी चाहिए उतना रख दीजिए, मतलब इसमें मछली के बराबर ही आपको पानी रखना है। और 10 या 20 मिनट ही बारीक आंच पे, मीडियम आंच पे पका के रखना है। 20 मिनट में आपकी मच्छी पक के तैयार हो जाएगी। हमारे यहाँ पे कोकनी होते हैं उनको थोड़ा खट्टा लगता है, तो इमली का पानी भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, वैसे भी नींबू तो मैंने डाला है, या कोकम डाल सकते हैं, तो मैंने नींबू डाला है। आप लोग भी ये बना के देखिए कैसे लग रहा है आपको, कैसे टेस्टी और यम्मी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।